तो आ जाइएगा मेरी माताओं बहनों, मेरे भैया, मेरे दादा, मेरे बहुत से समाज की माताएं बहने, जब किसी के घर में बेटी का जन्म होता है उसका पालन पोषण किया जाता है 18, 20, 22, 25 साल जो भी, फिर एक बेटी का विवाह कर दिया जाता है। तो एक बेटी की जब शादी हो रही है, जब एक बेटी का विवाह हो रहा है, तो उस समय का एक मंगल गीत है हमारी माताओं बहनों के लिए आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो कैसे सुनेगी हमारी माताएं बहने, हमारे भैया लोग गौर करेंगे कैसे। अरे भैया का लिखी बबुला चंदन चौपड़िया, हम हो का लिखे हो बीते भर करके आज वो अपने परिवार में रो रही है और विदा हो रही है। कैसे छुट्टी का ये खेत खारी है।
खरियानों में छूट जाते मैया चपार में, भाभी रसोई में और भैया जीवनार में। आज वो बोली है, मेरे अपने मुझसे जुदा हो रहे, मैं अपनों से अलग जा रही हूँ, जिसे मैं जानती पहचानती तक नहीं, आज मैं उनके परिवार में शामिल होने जा रही हूँ। आज एक लड़की का जीवन कैसा होता है, अपने माँ बाप से, अपने उस फैमिली से अलग हो जाती है जिससे दो दिन नहीं अलग रह पाती है, तो क्या बोली है, जिसके प्रूफ राइटर हमारे शिव कुमार भैया जी हैं। आज वो लड़की पिता होते हुए क्या कह रही है, परिवार को छोड़कर एक लड़की जाती है तो कैसे मेरी माता बहनों, तकलीफ है दुख नहीं देते हैं,
बीमारी में तुरंत उपचार करवाते हैं, वो पीहर छोड़कर, वो घर मायका छोड़कर लड़की कहाँ जाती, ससुराल में। अगर वहाँ पर उसे जरा सा बुखार हो, स्वास्थ्य खराब हो, लेट जाए तब भी ताने, यानी माँ बाप का प्यार एक लड़की को ससुराल में नहीं मिल पाता है। चाहे कितना भी बहू कुछ न सेवा करे, अपने सास ससुर की कितनी भी कुछ करे, लेकिन माँ माँ होती है, सास ससुर होते हैं ना। कभी सास ससुर माता पिता बन पाते हैं, इसीलिए कभी बहू बेटी नहीं बन पाती, ना जाने कैसा बैर बना रहता है बीच में। लेकिन जिस दिन सास ससुर बेटी की तरह बहू के भी समस्याएं समझेंगे, उस दिन वो बहू भी अपने सास ससुर को माँ समझेगी, पिता समझेगी। तो कहना है बोलिए तथागत बुद्ध की, बाबा साहेब की दया हो, करुणा हो, मंगल हो।